डॉक्टर दीपक तार एक हमारे पुराने पेशेंट हैं जिनका 1 से 1.5 साल पहले ट्रीटमेंट हुआ था बीपीएच का, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। उसमें प्रोस्टेट की साइज बहुत बढ़ गई थी और उनकी यूरिन में प्रॉब्लम आने लग गई थी, कंप्लेन थी, अनइजनेस थी। एज की वजह से ये कंप्लेन आती है, समय के साथ आती है। बट वो उनको पहले थोड़ा इससे पहले आने लगी थी, फिर रिपोर्ट में मालूम हुआ, फिर उनको क्या ट्रीटमेंट रहा, उनका कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट रहा है वो आपको बताएंगे ना। नमस्कार जी। ना बताइए क्या क्या बताओ मैडम थी आपको, कैसे इलाज हुआ, कैसे आए थे यहाँ पे? मैं रात को तकलीफ हुई मेरे, तो सुबह स्टार हॉस्पिटल में गया मैं। स्टार हॉस्पिटल में जाने के बाद में उन्होंने कहा साहब ये तो ट्रीटमेंट किया थोड़ा बहुत उन्होंने, उसके बाद में बोला था आपका ऑपरेशन होगा। अच्छा, वो जाँच वगैरह करने के लिए भेजा पहले, तो हाँ फिर बोला साहब इसमें ऑपरेशन होगा, यही इलाज है, वो हो नहीं सकता। अच्छा, तो फिर हमने डॉक्टर साहब से राय ली, दीपक टांग साहब ने साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप तो मेरे पास आइए, मैं इलाज करके दूंगा आपको। तो मैं आया और इनसे दवाइयाँ ली, करीब 1.5 महीने के करीब ली होगी मैंने दवाई। दवाई से मेरे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई आज दिन तक, 1.5-2 साल हो गए मेरे को, कोई मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं उस आई, मैं बीमारी कभी के लिए? आया नहीं कोई इस तरह की हाँ, दवाई। नहीं आएगी भी नहीं। सही बात। अच्छा, उस बीमारी के लिए कभी अपनी दवाई के अलावा कोई दवाई लेनी कोई पड़े? दवाई नहीं कोई ली दवाई थी, नहीं, दवाई कोई नहीं। भी डॉक्टर ने आपको मतलब प्रॉपर बोल दिया था, आपने हाँ किस्सा बता रहे बिल्कुल, थे कि डॉक्टर बोला हो ही नहीं सकता हो ही नहीं होम्योपैथी सकता कि ये तो इलाज हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन ही इसका एक इलाज है। से। हाँ फिर मैं इनसे आया दीपक दांग जी के पास, इन्होंने कहा मैं बिल्कुल सही करके दूंगा, और वो उन्होंने सही कह दिया, और होम्योपैथी मेडिसिन सब कुछ सही हुआ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल और सही। मैं कहा उसके बाद में आपका पूरा परिवार लेता होम्योपैथी, पूरा भरोसा आया हुआ आपको और ना। बिल्कुल सब है, हमारे जो भी रिलेटिव हैं सारे को यही बुलाते हैं, बोला सबसे बेस्ट इलाज है। मेरी बेटी का भी वो थोड़ा तकलीफ थी, सांस की तकलीफ थी, अस्थमा था उनको ना। हाँ उनको बहुत ज़्यादा टाइम से बीमारी तकलीफ में है, तो फिर उन्होंने कहा उनका साहब के पास आओ, उन्होंने करके दिया, हाँ वो अब भी सही आपने है, बिल्कुल सही है, चल रहा है। नमस्कार धन्यवाद। साहब।